आज आपके सामने हूँ कुछ क्रिकेट के तथ्यों के साथ जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फैक्ट नंबर वन, शाहिद अफरीदी ने अपने पहले वनडे शतक के लिए सचिन के बैट का इस्तेमाल किया था। यह मैच 1996 में श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच खेला गया था। जब शाहिद अफरीदी को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया तो उस समय उनके पास बल्लेबाजी करने के लिए उचित बैट नहीं था, तो उस समय बकार यूनिस ने अफरीदी को खेलने के लिए सचिन का बैट दिया। उस बल्ले से अफरीदी ने 11 छक्के और 6 बाउंड्रीज जड़ दिए। श्रीलंका के खिलाफ मात्र 37 गेंदों में उन्होंने अपना शतक पूरा किया। इसी के साथ अफरीदी ने सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड अपने नाम किया। हालांकि बाद में कोरी एंडरसन ने 36 गेंदों में शतक लगाकर इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। फैक्ट नंबर 3, सुनील गावस्कर अपने करियर में लगातार 3 बार टेस्ट मैचों की पहली गेंद पर आउट होने का रिकॉर्ड बनाया है। सुनील गावस्कर टेस्ट मैचों में 3 बार पहले ही गेंदों पर आउट हुए हैं। पहली बार 1974 में एल्बेस्टन में इंग्लैंड के जॉफ अर्नॉल्ड ने गावस्कर को उनके पहले ही गेंद पर आउट कर दिया था। दूसरी बार 1984 में कोलकाता में हुए मैच के दौरान वेस्ट इंडीज के मैकलम मार्श ने आउट किया। और तीसरी बार 1987 में जयपुर में हुए टेस्ट में पाकिस्तान के इमरान खान ने पहले ही गेंद पर उनको आउट किया। फैक्ट नंबर 3, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भारत से पहले पाकिस्तान के लिए मैच खेला था। क्या कल्पना कर सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने भारत से पहले पाकिस्तान के लिए मैच खेला है। ब्रेजोन स्टेडियम 1987 में भारत और पाकिस्तान के लिए अभ्यास मैच चल रहा था, तो वे पाकिस्तान की ओर से फील्डिंग करने आए थे। फैक्ट नंबर 4, अनिल कुंबले पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने एक ही पारी में 10 विकेट लिए हैं। फैक्ट नंबर 5, क्रिस गेल को T20 का बादशाह कहा जाता है क्योंकि क्रिस गेल ने 318 T20 मैचों में 186 के लगाए थे। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि क्रिस गेल एक मात्र ऐसा बल्लेबाज है जिस टेस्ट में पहले ही खेल चुका है। Thank you.